आज हम एक परफेक्ट जगह पे जाने वाले हैं। गोले ने फिर अपना कांड कर दिया। लव गिफ्ट खोलो। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। थैंक यू सो मच हमारे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। सो आज हम कुछ अलग प्लान बन रहे हैं। घर का खाना खा कर के भी थोड़ा बोर हो गए। आज हम एक परफेक्ट जगह पे जाने वाले हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं और गोला आए हैं अमृतसर में हवेली पे, जो हाईवे पे है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, नो ज़्यादा क्राउड भी नहीं है और बहुत क्लीन है सब। और हमारे बच्चे ने 3 बार कटोरी भी गिरा दी, लेकिन ये लोग बड़े अच्छे हैं। ये बोलते हैं कि हम अब जितनी मर्जी बार गोला उठ कटोरी गिराएगा हम उठाएंगे, है ना। सो बहुत ही अच्छा है, सब प्लेटें पकड़ के बैठे हैं, अभी खाना नहीं आया। चलिए जब खाना आएगा तब आपको दिखाते हैं कैसा खाना है यहाँ का हवेली का। सो गाइस, बहुत ही बहुत अच्छा एक वो है, सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। हेलो जी। हेलो मैम, नमस्कार जी। बहुत बढ़िया हवेली बनाई है आपने। मैं पहले आ चुकी हूँ, बट मुझे था कि जो लोग व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होना चाहिए कि अमृतसर में खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं है और नंबर 1 है अमृतसर खाने में। तो कुछ लोग ट्रक में भी आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। ये देखिए, ये पाजी को बहुत भूख लगी थी, मैम आपका क्या रहा। ये दीवार तोड़ के आ गए अंदर, ये देखिए, ये देखिए। मैं निकला ओ गड्डी लेके। अरे वाह, ये देखिए, ये गोबर से बनाए जाते हैं इसको। आई थिंक हमारे में तो पंजाबी में पाथियाँ कहते हैं, बट हिंदी में इसको उपले कहते हैं। तो बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है कि उसमें लाइट्स लगाई हुई, जो दूर से ऐसे लगता है कि सच में ये चूल्हा जल रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा है, ये नहीं ये हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये इसको वैसे तो पंजाबी में गड्ढा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ठेला। ठेला, ठेला। इसके आगे गाय वाय लगती है ना, बैल। हाँ हाँ, ये गांव में जब लोग एक शहर मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाते तो ये यूज करते थे, है ना। जी। बस यही है कि ये गड्ढा यहाँ पे रह गया, बैल निकल गया आगे से, है ना। सो गाइस, खाने का वीडियो तो आपने देख लिया। जैसे मैंने थाली डाली आप लोगों को दिखाया और खाने ही लगी थी, गोले ने फिर अपना कांड कर दिया। हर बार की तरह कहीं जाना हो या फ्लाइट लैंड करने वाली हो या टेक ऑफ हो, गोला एक चीज़ ज़रूर करता है, तंग करता है, वो है ये सुसू पॉट, मतलब सुसू तो नहीं, सुसू तो डाइपर में पॉटी कर देता है और फिर एक मिनट सबर नहीं करता, चेंज करो चेंज करो चेंज करो, ऐसे होता है। मैं तो थक गई भाई साहब। तो गोले का सब कार्यक्रम हमने ठीक कर दिया, अब मैंने खाना खा लिया है और बड़ा ही प्यारा एक गड्ढा के ठेला, अभी हिंदी में क्या कहते हैं, ठेला, उस पे गुड़ सौंफ और जीरा, मीठी सौंफ। अच्छा ये देखो, ये बड़ा वाला मैंने आपको दिखाया था ना उधर, वैसे तो इनको बड़ा वाला लाना चाहिए था मेरे लिए। सही बात है। तो अब फाइनली बारी आई है जलेबी। हे, रहा नहीं जाता। ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं, बॉम्बे में ज़रा भी जलेबी अच्छी नहीं मिलती। कोई ऑरेंज कलर की मिलती है, कोई खट्टी मिलती है, ये देखिए देसी की पतली पतली जलेबी है। तो खाना खा लिया, अभी जलेबियाँ भी खा ली हैं हमने, बट स्टाफ माइंड ब्लोइंग, इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा कि हमें शर्म आ गई। हम खाना खा रहे थे, ये हमें देख ही जा रहे थे। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच।
बहुत 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 अच्छा खाना था। सो बात ये है कि जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, हम खाना खा रहे हैं, सारा स्टाफ हमारी तरफ है, बाकी सब भूखे रह रहे हैं। ए सब कुछ खाने को दो ना सब। ये देखो कितने लोग इधर, ये देखो बाकी कोई खाना दे रहा बाकियों को कि नहीं दे रहा ही। थैंक यू सो मच हवेली। इसे कहते हैं पंजाब के बंदे। अरे बाप रे, मैं सोचती थी मेरे पति की ही मूछें हैं, पर मूछें ऐसी होनी चाहिए। बचपन में या टीवी में फिल्मों में देखा है कठपुतली वाला शो, अभी लाइव। अब हमारी प्यारी दीदी भारती आ रही है। हाँ जी, प्यारी दीदी भारती आ रही है। यहाँ भारती आ रही है। अब मेरे पति हर्ष को बुलाओ, मेरे पति को बुलाओ। थैंक यू सो मच, बहुत 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 अच्छा शो था। थैंक यू बाजी। सो मैं बड़ा बोल रही थी कि यहाँ पे ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। आज अचानक से पता नहीं, 1 नवंबर है बट बहुत बहुत ठंड है। मतलब मुझे जो एसी चला के सोती है, मैं यहाँ 2-3 दिन से एसी चला रही थी 22 पे और पंखा भी। सो क्योंकि गोले को भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, बाल पूरे गीले हुए होते, तो वो हॉट बच्चा है और उसकी मम्मा भी बहुत हॉट है। बात तो सही है। सो आज फाइनली मैंने शॉल ले लिया है और ये लड़की बीमार हो गई है क्योंकि ये ना अपने आप में बहुत वो बनती थी। मैं आज कल की लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये लड़की कल दोपहर भर सोती रही और आज देखो कैसी बुढ़िया जैसी बन के बैठी हुई है। बेटा, इसको लगता था कि ये यंग है, इसका गर्म खून है, लेकिन इसका गर्म खून पंजाब में आके ठंडा हो चुका है और ये खुद ठंडी होकर बैठ गई है अभी। सो गाइस, हम खाना खा कर आए थे हवेली थे, माइंड ब्लोइंग खाना था। स्टाफ भी बहुत 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 अच्छा था और देखने वाली हवेली, मतलब अगर आप हवेली में खाना खाने जाओ तो ऐसा नहीं कि खाना खा के निकल सकते हो, नहीं, आपको लग ही जाता टाइम, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं उन्होंने। और वो कठपुतली का खेल यार, बचपन में देखते थे या फिल्मों में देखते थे, बचपन में भी हम जब नर्सरी वर्सरी में होते थे तो एक बार स्कूल में आए थे, तब से मैंने आज देखे हैं। सो बड़ा दिल खुश हुआ पुरानी चीज़ें सब याद करके, और जलेबियाँ भी खाई। फिर से एक बार हम खाने के लिए बैठ गए हैं। पंजाब आओ तो खाना ना खाओ अच्छा ऐसा हो नहीं सकता है ना, क्योंकि आते ही यहाँ पे खाना खाने के लिए। और ये बना है सरसों का साग, रोटी, और ये है सैलेड, और ये है मिर्ची फ्राई, नाइस, और ये है मक्की की रोटियाँ, और ये है लहसुन का अचार, ये देखो पानी, और ये है पानी। मैं खाने लगी इससे पहले सब ठंडा हो जाए। तो गाइज, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि मैं आई हुई हूँ। और मैंने इनसे पूछा, ये देखो ये चार चार मुस्टंडे लड़के आए हैं, तगड़े देखो कितने हैं, हाय रब्बा। मैंने बोला किसने बताया मैं आई हूँ, तो बोलते आपकी आपके व्लॉग में देखा। अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकती कि हाँ मैं व्लॉग में नहीं थी, मैं अमृतसरी थी। इतने तगड़े तगड़े मुंडे, और ये बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बोलते दीदी आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, लाओ भी गिफ्ट, खोलो खोलो आप। मैं तो ही ताड़े से ले आंदा। अच्छा, अरे बाप रे, क्या बात है। थैंक यू सो मच। ऐसे मेरे पीछे आना, लड़कियों के पीछे नहीं जाना। नहीं, नहीं, नहीं। आपके घर वालों ने देख लिया कि ये सारे आज कॉलेज नहीं गए, यहाँ पे पिछले 2-2.5 घंटे से खड़े थे और इतने जिद्दी थे कि फोटो करवा के गए। मैंने ये तो को बड़ा डर लग रहा है। ये फंस गया सी है। सबकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, सच्ची दसना ए वाले दी जरूर होनी होएगी, हैगी है ना? हैगी है ना? है ना? नहीं, झूठ बोल रहा है। हैगी है ना?
मतलब ऐसे फ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड नहीं, एदा मतलब है की है। So, बहुत प्यारा गिफ्ट लेके आए ये बच्चे, कॉलेज छोड़ के इधर आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि घर वालों के लिए आए, मम्मी से बात करनी, तो लोग फोटो खिंचाई जा रहे हैं। बट ये बच्चे 2-2.5 घंटे से खड़े थे धूप में। धूप में तो खड़े हो ही सकते क्योंकि इधर ठंड है, ऐसा भी नहीं कोई कि सीने में खड़े थे। बट बहुत 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 प्यारा गिफ्ट दिया है, थैंक यू। सो गाइज, गोला नहा चुका है, और मेरी बेइज्जती हो रही कि मैं नहीं नहाई। और बस मेन मकसद खाने पीने का अमृतसर आना होता है हमारा, और बाकी हमको कोई ऐसा नहीं है कि कहीं मिलने आए। गोले ने नहा लिया और ये दिवाली पे पहनना था जो अभी पहना हुआ है, माई फर्स्ट दिवाली है ना, सो वो अब पहना है। तो चलिए मैं भी जाती हूँ नहाने, क्योंकि गंदी मम्मा और सुंदर बच्चा अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं जाके मुंबई में।